मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मंगलवार को तारामंडल क्षेत्र में गार्डनिया अपार्टमेंट से चिड़ियाघर के आगे तक लगभग 2200 मीटर लंबा निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिनों के अंदर कच्चे नाले का कार्य पूर्ण करा ले, जिससे बरसात में तारामंडल के आसपास जल जमाव की स्थिति न होने पाए। निरीक्षण के दौरान राजकीय निर्माण निगम एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि बरसात के पूर्व सभी नालों नाली के निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त ने बताया कि जल निकासी के लिए लगाए गए पंपों को भी दुरुस्त करने के लिए नगर निगम और GDA को निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा हम सब गार्डनिया से आगे यहाँ पे गार्डनिया यहीं पे। ओके, अब ये वाला जो और एक रोड मैं इससे आया। हाँ, आप जिससे आए हैं वो ये वाली रोड है, ये दोनों यहीं मिल जाती हैं। ठीक है, तो एक तो पानी यहाँ से लेकर और फिर ये सामने से देवरिया बाईपास से ये लोहिया किनारे पर परसैया कुंड के आगे। तो यहाँ से इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? 2200 मीटर के आसपास। और यहाँ भी हम ले रहे हैं सर, इस पानी को भी हम यहाँ टैप कर रहे हैं, तो वाटर बॉडी को यहाँ से टैप कर रहे हैं, यहाँ से टैप कर रहे हैं। ये 339 है, ये नहीं खोद रहे हैं, ये आप कर दीजिए। ये हमारा काम कल से लग जाएगा, हमारी जैसी हमें कच्चा ही खुदवाना है, कच्चा खोद के और इनके इस मिला देंगे। ये खोदना इनकी जमीन खोदा है, ऐसा ना बरसात में पानी पूरा है। नहीं सर, ऐसे कर देंगे सर, इसको समतलीकरण करा दीजिए, जिससे वो मास्क लगा लीजिए। आपको अलग से कहना पड़ेगा, थाने भेज दें। बीच में जो जंगल एरिया पड़ेगा इसका क्या करेंगे? इसमें सर थोड़ी बहुत दो तीन पेड़ आ रहे हैं, तो उसको हम आपने कितनी दूरी बताई अंतर? ये 2200 में कितना खोद दिया अभी तक? अभी तो सब 150 तो फिर कैसे होगा? शुरू कर दीजिए, पेड़ आ रहे थे डायरेक्ट हल्का फुल्का रहने का। ये आपकी बाउंड्री आ गई, ये उसकी बाउंड्री है, ये तो आप ही लोगों ने लगाया होगा? जी सर, ये सर फेंसिंग के लिए ताकि कोई आदमी इधर ना ये पूरे पर लगाए, ये सर भी यहाँ पूरे पर लगाएंगे, इसका कारण है बाद में इसका पक्की करें। हाँ, बाद में सब पक्की करें, इसका पक्का करके यहाँ से सब निकल जाएगा पानी, सब जाता है। एक दिन की सर ये खुदाई है, कहते हैं कहीं ये कोई सॉफ्टवेयर करीब जो है, कहते हैं 10-15 जैसी भी लगा देंगे सर, अलग अलग सॉफ्टवेयर से। तैयारियां हैं वो की जाएंगी। एक हम लोग इसी हफ्ता में एक जो हमारी मंडल स्तर की कमेटी है, वो बाढ़ और शहरों में जो जलभराव है उसको रोकने के लिए जो एक कमेटी है उसकी मीटिंग भी हम करेंगे। इस बार जो हमारा चैलेंज होगा वो ये होगा कि शहर में कई सड़कों और नालों का निर्माण कार्य चल रहा है, और जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रभावित हुआ है,
और इसलिए प्रयास ये रहेगा कि हम जो है इन नालों का निर्माण इस तरह से करें कि से कम मानसून का वाटर का जल भराव ना हो। सो वो एक चैलेंज रहेगा और यही हम लोग इस बैठक में निर्णय करेंगे, उस पर काम करेंगे। अदरवाइज़ हमने पीडब्ल्यूडी और जितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं उन सबको ऑलरेडी कहा है कि आप मानसून के दृष्टिगत अपना निर्माण कार्य तेज़ी से करें और आशा करते हैं कि उसका समय से कार्य हो जाएगा। सर पंप स्टेशन ही बने हुए जो नगर निगम और जीडीए कुछ पंपिंग स्टेशन चलाता है, तो उनकी सफाई और उनके स्टेशन ठीक से चलें इसके लिए कहा गया है। लेकिन जैसा कि हमारे 3 रास्ते हैं जो इम्पोर्टेंट बन रहे हैं और उनका नाले का निर्माण चल रहा है, तो पंपिंग स्टेशन में एक आपको वाटर का फ्लो चाहिए, तो उसके लिए नालों का निर्माण किया जाना बहुत ज़रूरी है और उनकी सफाई की जानी जरूरी है।